पूजा भट्ट ने 33 साल बाद अपने उस फोटोशूट पर चुप्पी तोड़ी है जिसने देश भर में हंगामा कर दिया था। साल 1990 में पूजा भट्ट और उनके पिता महेश भट्ट ने एक फोटोशूट कराया था। इस फोटोशूट में महेश भट्ट और उनकी बेटी पूजा लिपलॉक करते हुए नजर आए थे। इस बात को 33 साल बीत गए हैं लेकिन आज भी इसकी वजह से भट्ट परिवार को अक्सर ट्रोल किया जाता है। लेकिन अब इस बीच इस फोटोशूट को लेकर पूजा भट्ट ने बड़ी बात कह दी है। सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में पूजा ने कहा, वो एक मोमेंट था जो बहुत खूबसूरती के साथ कैप्चर हुआ। जब लोग बाप बेटी के रिश्ते को गंदी नजरों से देखते हैं, मैं उन लोगों से बस यही कहना चाहूंगी, उन्होंने जो देखा और पढ़ा वो आगे भी ऐसी चीजें देखेंगे और पढ़ेंगे। पूजा यहीं नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा कि मैं आज भी खुद को छोटी बच्ची मानती हूँ। पूजा ने कहा, किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। मुझे याद है कि एक बार शाहरुख खान ने मुझसे कहा था कि जब बेटियां होती हैं तो वो अक्सर अपने माँ बाप से कहती हैं कि मुझे किस दो। मैं अभी भी खुद को एक छोटी बच्ची मानती हूँ और हमेशा अपने पापा के लिए एक छोटी बच्ची ही रहूंगी। मेरे पापा भी वही इंसान रहेंगे जो वो हमेशा से थे। पूजा भट्ट और महेश भट्ट ने ये फोटोशूट एक मैगजीन के लिए कराया था। उस दौर में इसे लेकर खूब हंगामा बरपा था। तब महेश भट्ट ने ये कहकर और सनसनी मचा दी थी कि पूजा भट्ट अगर उनकी बेटी ना होती तो वो उनसे शादी कर लेते। फिलहाल अब यहाँ पूजा ने यह भी कह दिया है कि लोग ऐसी चीजें और भी देखते रहेंगे। अब भट्ट परिवार ऐसा क्या लेकर आएगा वो तो समय बताएगा। वेल, आप क्या कहेंगे इस पर? अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।